अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक। और आप जहाँ कहीं रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस शहर में रहें, जिस मोहल्ले में रहें, जिस घर में रहें, खुश व करम रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। तो मैं आ चुकी हूँ अपने अमेरिकन किचन में। तो मैं अपनी वीडियो आगाज़ यहीं से कर रही हूँ आज। तो जैसा कि आपको चाय नज़र आ रही है, साथ में पापे हैं और साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। ये मैं अपनी स्पेशल किस्म की दोरी, यानी जिसे कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि दोरी, और दोरी डंडा कहते हैं लेकिन, और वैसे इसको हारून दस्ता भी कहते हैं, लेकिन मेरा ये जगाड़ है तो मैं इसमें ही कूट लेती हूँ लहसुन और वो ये मिर्चें, और पका रही हूँ आलू के कतले। और आपने रहना है मेरे साथ साथ। और आज मैंने अपनी भाजी मिस शाल की कज़न के बर्थडे में भी जाना है, तो हो सकता है वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और मुझे शेयर भी करना है। तो आपने रहना है मेरे साथ साथ। यार भाई व्यूअर्स, ये देखिए मैं पका रही हूँ आज चटनी आलू की डिश। देखें ये चटनी मोटी मोटी कूट के, और ये मैंने पुदीना, धनिया और ग्रीन चिल्ली और टमाटर हरी मिर्चें, और ये सारी चीज़ें मैंने पीस के चटनी की तरह मोटी मोटी रख ली हैं। और ये जो घर में आम मसाले यूज़ होते हैं वो है, और ये हैं आलू के कतले। तो देखना ग्रीन ग्रीन, आप देखिएगा ग्रीन ग्रीन आलू पकेंगे और बहुत मज़ेदार पकते हैं। इस तरह आप भी बनाइएगा। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि शेयर करूं कि मैं कैसे बना रही हूं। आज मुख्तलिफ तरीके से पकाती हूं, तो आज मैंने कहा ऐसे पका लेती हूं। और एक ही तरीके से नहीं पकाना चाहिए, हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ही पकाना चाहिए है। तो जब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूं, आपने रहना मेरे साथ साथ। मैंने एक बर्थडे पार्टी में जाना है, आसिफ तो जा नहीं रही, मैं जा रही हूँ, तो आपके साथ हो सका तो ज़रूर शेयर करूँगी। व्यूअर्स, मेरे आलू हो चुके हैं तैयार। ये देखें हरी चटनी वाले आलू, और बहुत ही मज़ेदार खट्टे खट्टे आलू हैं ये, और बहुत ही मज़ा आता है जब इसको खाते हैं। तो जिस किसी ने खाने हो तो वो मेरे घर अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ ला सकता है। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है, इस पर ऑयल भी आ गया है, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो प्यारे भी बस, अब मैं चाहती हूँ इस छोटी सी शेयरिंग के साथ आपसे इजाज़त। आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। अल्लाह हाफिज़। बस मैं रास्ते से आ रही थी, तो ये देखें कितनी प्यारी बिल्लियां हैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूं, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। कैटो हैं कितनी सारी, कितनी अच्छी लग रही हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये शेयरिंग? प्यार प्यार व्यूअर्स, ये आसिफ हैं। आज मैंने बर्थडे पे जाना था और मैंने बनाए थे आलू, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने कहा चली जाओ, लेकिन 500 रुपया दे रहे थे। अब 500 रुपया तो बच्चा पैदा हुआ हो ना, उसको भी नहीं दिया जाता, 1000 रुपया तो कम से कम देना चाहिए। मैंने कहा तो फिर मैं गई नहीं, वरना बिरयानी खाती। फिर मैंने कहा मैं आलू वाले चावल बना लूँगी। पाँच सौ रुपया तो आजकल कोई बच्चों को नहीं देता, छोटे जो पैदा हुए होते, वो ज़माना गया जब 200-300 रुपये। फिर मैंने कहा चावल मुझे ला के दें। फिर मैंने ना आलू वाले चावल बना लिए, आलू रख दिए मैंने कतले। मैंने कहा चलें फिर आलू वाले में चावल खाती हूँ, लेकिन अल्लाह के नीचे तो नहीं, तो मैंने बिरयानी खानी थी। 500 तो बिरयानी की प्लेट ही आ जाती है आजकल तो। लेकिन इन्होंने मुझे ये आलू वाले चावल खिलाए, तो इस वजह से मैंने भी चावल बना लिए, आलू रख दिए, तो वो मैं कल खा लूँगी। तो प्यार प्यार व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी रुदाद कि इन्होंने बर्थडे पे मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये 1000 रुपया दे देते तो क्या था, तो 500 रुपया ये दे रहे थे, इस वजह से मैं नहीं गई। तो इस वजह से हाँ, बाहर निकले तो पता चलता है क्या हुआ, बाहर निकले तो जी नहीं, मैंने अलवर चावल पका लिया, अब मैंने क्या करना जाके। तो प्यार व्यूअर्स, ये थी
आज की वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट शेयरिंग के साथ। तो आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़। हाय आलू वाले चावल बिरयानी।